Another chapter, एक नया बाब जिंदगी का, एक नया step. इससे हर लड़की को गुजरना है, हर स्टेज पे जो है उससे इंसान को गुजरना है, जिसमें उसका बचपन, लड़कपन, जवानी, नौजवानी, फिर मैच्योरिटी की तरफ जब जाता है, मैरिड चैप्टर जो है ज़िंदगी का शुरू होता है, स्टेप्स आलमोस्ट आते हैं. हम तो इंतज़ार कर रहे थे बड़ी ईद पहले आएगी, लेकिन अल्लाह की तरफ से छोटी ईद पहले ही आती है. वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र. रवील इज़ जस्ट लाइक अ बडी टू मी. ज़ोया का कम होगा, मेरा ज़्यादा है. पर कहीं से भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं आती, ये एक बॉन्ड है हम दोनों का, और उस पर कहीं से भी बड़े आराम से हम बात करते हैं जैसे दो दोस्त एक दूसरे के साथ कर रहे हैं. मुझे इसी चीज़ ने सुकून बहुत ज़्यादा दिया. मुझे ज़ाती तौर पे रवील बहुत पसंद. मैंने उस जैसा हम्बल और मॉडेस्ट इंसान नहीं देखा, और ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है. और यकीन है ज़ोया को कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा. First he was good, now that he's taking Bajo. He used to bring me chocolates and come to my home. I have always wanted an elder brother. And he has not been a brother to me, but he has been a best friend. Right now, everybody is going to push him. हर कोई उसको ये बोल रहा होगा कि you know, आप पे responsibility आ गई है, आपको अपने आप को settle करना है, अपने आप को establish करना है, अपने ऊपर काम करना है. And everybody would be saying these things. मगर मैं रवील को ये कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें yes, they are part of your life. मगर इन सब चीज़ों में तुम ये मत भूलना that तुम रवील हो. And रवील का मतलब है सोच. तो तुम्हारी सोचने का अंदाज, तुम्हारे काम करने का अंदाज तुम्हें इंशाल्लाह जहाँ भी तुम जाओ वहाँ लेके जा सकता है. He was more of my friend than he was of Zoya's. मेरी उनसे काफ़ी अच्छी डीलिंग थी. मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं ऐसी कॉल कर लेता था कि यार रवील भाई ये सीन है, बोर हो रहा हूँ, पार्टी करते हैं. माई थाट्स अबाउट रवील भाई चेंज वे डिफरेंटली, कि अब मैं उनको दोस्त की तरह नहीं देख रहा, अब मैं उनको उस तरह देख रहा हूँ कि अब वो मेरी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे. पहला दिन यूनिवर्सिटी का, और मैं क्लास में एंटर होता हूँ, और उम्मे मन की मार्केटिंग की क्लास, और बिल्कुल मैं एंड में जगह नहीं होती तो लेट आया था, तो बिल्कुल एंड में जाके बैठ गया. और जैसे ही बैठा तो आगे दो लड़कियाँ बैठी हुई थी. दोनों लड़कियों ने ऑल ऑफ अ सडन पीछे मुड़ के देखा, और वो मैंने मुझे क्लिक हो गया. और उसमें से एक लड़की ऑब्वियसली आप थी, और जब आपने मुझे पीछे मुड़ के देखा तो मैंने भी आपको देखा, तो वो फर्स्ट इंटरेक्शन था हम दोनों का, आई टू आई. स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई, क्लास एंड हुई, एंड देन आई थॉट कि आई शुड गो अप टू यू एंड आई शुड टॉक टू यू. एंड देन फिर मैं सोच रहा था कि मैं क्या बात करूँगा, किस तरह बात करूँगा. फिर मैं जब ही जल्दी से आपके पास आया ना, यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास रेलिंग के पास, एंड देन आई केम अप टू यू एंड आई सेड एक्सक्यूज मी. एंड देन फिर मैंने पूछा कि ये कोर्स आउटलाइन क्या है, मैडम ने कुछ मैम ने बोला है? तो आपने बोला येस आई कैन गाइड यू टू द कोर्स आउटलाइन और टीचर के पास, आई थिंक सो शायद आपने बोला. तो वो फर्स्ट इंटरेक्शन था हमारा, हम दोनों का, कि वो किस तरह बिल्डअप हुआ. आई फेल्ट लाइक रियली कि यार ये तो बहुत हम्बल है और बड़ी सोशलाइजिंग है, और बड़ी अच्छे तरीके से मुझसे बात करी. मैं कुछ बताना चाहता हूँ आज. बहुत टाइम से और यूनिवर्सिटी के शायद उस फर्स्ट डे से ही आई थॉट कि यार दिस इज़ द गर्ल आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मैरी यू. And it's been like years now, and सब कुछ अल्लाह का शुक्र है कि jot down होके सारी चीज़ें properly आ चुकी हैं. I'll always keep you happy, and there's a lot in my heart that I want to express. You know that मैं इतना बोलता नहीं हूँ, और मैं इतना ज़्यादा शायद express नहीं करता हूँ कभी, but I really love you, Zoya. I really want to make you happy always, और मैं चाहूँगा कि आप हमेशा मेरे साथ खुश रहो, और मैं आपको खुश रखूँ, और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ और आपकी सारी ख्वाहिशात एंड जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी यू वांट फ्रॉम मी, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू साइड बाय साइड, एंड बिल्कुल चिपका रहूँगा फेविकॉल की तरह हमेशा. लेट्स सी कि लाइफ कहाँ पे हमें लेके जाती है, बट आई विल ऑलवेज ऑलवेज कीप यू टू माय फर्स्ट प्रायोरिटी. आई विल ऑलवेज मेक यू हैप्पी, एंड जो भी मुझसे हो सकेगा मैं फुल जान तोड़ मेहनत करके एंड कोशिश करके आई विल गिव इट टू यू, एंड आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं आई विल ऑलवेज मेक इट अप टू यू इंशाल्लाह. Thank you.
सपनों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं खुद के होने की पहेली सुलझाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ कदमों में जमा जो थका चैन की नींद आती वहाँ इतनी सुहानी बना होना पुरानी तेरी दास्तां I love you and I would really miss you when you won't be here. You have been like a princess in our family. मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे precious gift उसको दिया है. Zoya and love, we can't differentiate. Love you.